गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 4, आवर क्लोथ्स। चलिए शुरू करते हैं। आवर क्लोथ्स, चारू इज लुकिंग स्मार्ट, शी इज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, शी इज गोइंग टू अ पार्टी। चारू वियर्स क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सीजन। देखिए बेटा, क्लोथ्स का चैप्टर है, आपने पहले भी पढ़ा है। वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। देर आर 3 मेन सीजन इन इंडिया। अब देखिए इस लेसन में हम कैसे पढ़ेंगे कि चारू जो है ये लड़की लुकिंग स्मार्ट, शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है। क्यों? उसने वहाँ पर एक पार्टी में जाना है। चारू वियर्स क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सीजन, जैसा वेदर मौसम होता है और सीजन जो भी चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनती है। अब आगे देखेंगे कि डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर यानी जो क्लास 1 में आपने पढ़ा है उसके बारे में है, रिमाइंडर है। सबसे पहले है वी वियर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, तो आपको बताया गया था कि कपड़े हम क्यों पहनते हैं, बिकॉज टू कवर अवर बॉडी, हमने अपनी बॉडी को क्या करना है बेटा, कवर। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड, और क्लोथ हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हीट यानी बहुत, जब गर्मी हो बाहर, धूप हो, कोल्ड हो, ठंड हो, रेन, बारिश और विंड, हवा चल रही हो। क्लोथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, और वो हमें डस्ट और डर्ट से भी बचाते हैं, जैसे बाहर धूल मिट्टी आती है या चली जाती है। सबसे मेन हमारा काम पर्पस क्या होता है क्लोथ्स को, टू कवर अवर बॉडी, और उसके बाद डिफरेंट सीजन और वेदर के अकॉर्डिंग ये हमें हीट, कोल्ड, रेन और विंड से बचाते हैं, और साथ में डस्ट एंड डर्ट से भी बचाते हैं। अब देखिए नीचे, एनसर्कल द क्लोथ्स वॉर्न बाय पीपल अराउंड यू। इसमें देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आपको दिए गए हैं बेटा। इसमें आपने इंसर्कल करने हैं कि आप जो लोगों को अपने आसपास देखते हैं तो कौन कौन से वो लोग क्लोथ्स जो है यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है पैंट्स, ट्राउजर्स, क्लोथ, टी शर्ट, शॉर्ट्स, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज, फ्रॉक, स्कर्ट। नेक्स्ट, वेस्ट, सलवार, कमीज, दुपट्टा, लहंगा, चुनरी। इसमें आपने जो आप देखते हैं कि आपके आसपास लोग क्या पहनकर चल रहे हैं आसपास, उन्हीं को ही एनसर्कल करना है। ये नहीं कि सभी को सर्कल कर ले, आप देख सकते हैं जैसे जेंट्स हैं पैंट्स यूज़ करते हैं या ट्राउज़र लोअर वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपने इनको सर्कल लगाना है। अगर कोई भी फ्रॉक स्कर्ट बच्चियाँ पहनती हैं तो वो उसको लगा देंगे, या फिर जैसे टी शर्ट शॉर्ट्स हैं उसमें आप देखेंगे कि आपके अराउंड जो भी लोग वियर करते हैं सिर्फ उन्हीं को। अब लहंगा जैसे दिया हुआ, लहंगा रूटीन में तो कोई नहीं पहनता ना, बेशक हम लोग कहते हैं कि फंक्शन में हम यूज़ करते हैं, जो आपके आसपास जो कपड़े पहनते हैं उसको आपने इनसर्कल करना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है कि हमारे पास है वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन, तो हम जैसे जैसे हमारा सीजन चेंज होता है वैसे वैसे हमारे क्लोथ्स भी वैसे चेंज होते जाते हैं। जैसे अभी हमारा थोड़ा टाइम पहले विंटर था तो हम सर्दी के मोटे मोटे कपड़े पहन रहे थे, और आजकल कौन सा है समर सीज़न, तो हम कौन से कपड़े, लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो देखिए इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स, समर सीज़न में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं और गर्मी भी नहीं हमें लगती है उसमें। दीज क्लोथ्स कीप अस कूल इन हॉट समर सीज़न, तो ये कपड़े क्योंकि हमें कूल रखते हैं, ठंडा ठंडा रखते हैं इन हॉट समर सीज़न, जब बड़ी गर्मी, धूप, बहुत ऐसा मौसम होता है तो ये कपड़े हमें क्या रखते हैं, कूल। वी गेट कॉटन कॉटन प्लांट, और इन कॉटन के क्लोथ को बनाने में क्या चीज़ होती है, कॉटन, जो हमें किससे मिलती है, कॉटन प्लांट से। तो समर सीज़न में कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं बिकॉज इट कीप अस कूल एंड वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। तो अब नीचे देखिए आप इसके, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ समर क्लोथ्स एंड राइट देयर नेम्स। अब आपने इस खाली जो जगह दी हुई है इसमें, ये वाले प्लेस में आपने क्या करना है बेटा, ड्रॉ करनी है पिक्चर समर क्लोथ्स की। जैसे अभी आपने पढ़ा कि गर्मी में हम शॉर्ट्स पहनते हैं, वेस्ट यूज़ करते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं, लाइट समर क्लोथ्स पहनते हैं, तो कोई भी आप अपना यहाँ पर ड्रॉ करना है, उसको अच्छे से कलर करिए
चाहे आप दो या तीन बनाइए, पर अच्छे से पिक्चर्स बनाइए और उनके साथ में नीचे नेम भी लिखने हैं। तो आज आपने ये पेज नंबर 30 एंड 31 के रीडिंग करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।